तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई मैंने यहाँ पे जो है 10,000 का जो है यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर लगा रखा है। अब आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि भाई दिवाली तो निकल गई, लेकिन अब कौन से ऑफर चल रहे हैं जिसके बारे में आपको पता हो और हमें नहीं पता। तो दोस्तों, मैं आपको उसी चीज के बारे में जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखना भाई, बिना स्किप करे। और मैं बताता चलूँ कि भाई कंपनी ने जो है पल्सर NS125 के ऊपर जो है यहाँ पे 10,000 का जो है डिस्काउंट ऑफर जो है वो दिया है कंपनी ने अपनी तरफ से ही जो है। और इसके जो रेट है वो जो है डाउन हो गए। मैं आपको इसका प्राइस बताता चलूँ तो दोस्तों, इस बाइक का जो पहले प्राइस आता था भाई, वो ऑन रोड प्राइस जो इसका आता था दिल्ली के अंदर, वो आता था आपका 1,25,000 रुपए के अप्रोक्स जो है आपको इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिलता था। लेकिन अब कंपनी ने जो है इसके ऑन रोड प्राइस को यहाँ घटा करके जो है 1,15,000 रुपए कर दिया है। और आप जो है इस डिस्काउंट को अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप जो है थोड़ा और भी अच्छे से जो है इस 10,000 की जगह जो आप हो सकता है भाई 15,000 तक का भी जो है इस बाइक पे डिस्काउंट ऑफर का जो है वो फायदा उठा लो। और वो कैसे आप उठाओगे वो उसके बारे में थोड़ी सी चीज बता देता हूँ कि भाई आप जो है एक्सचेंज ऑफर के थ्रू ले सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। साथ ही में जो आप क्या बोलते हैं फाइनेंस स्कीम कोई ऐसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जिसके थ्रू जो आप जो है अपना डिस्काउंट जो आप इस पे एक्स्ट्रा उठा पाओगे। और साथ ही में अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू इस शोरूम पे विजिट करते हो तो आपको जो है डेफिनेटली यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को भाई शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, जो भाई 125 सीसी बाइक का प्लान बना रहे हैं या अपनी 100 सीसी मोटरसाइकिल को अपग्रेड करना चाहते हैं 125 सीसी बाइक के साथ में, तो उन लोगों के साथ में शेयर करना। जो कोई मेरे ऐसे भाई भी होंगे जो दिवाली पे इसने उन्होंने जो है ऑफर्स का मौका मिस कर दिया होगा, लेकिन भाई वो इस बार मिस ना करे तो उनके साथ में जरूर से शेयर कर देना भाई इस वीडियो को। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई 1,15,000 रुपए के अंदर आपको इस बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह जो यहाँ देखने को मिलते हैं और कंपनी ने इसके अंदर क्या बदलाव किए हैं और क्या नहीं किए, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक देख लेना भाई। चैनल पे पहली बार है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, शुरुआत करना चाहूंगा भाई इस बाइक की चाबी से। तो अब जो आपको इस बाइक की जो है चाबी भी वो यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगी। कुछ इस टाइप से जो आपको इस पे पल्सर की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, कुछ इस टाइप से जो इसकी यहाँ पे की रहने वाली है। और अगर मैं इसके फ्रंट से शुरुआत करूँ तो फ्रंट लुक में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, वैसे आप एक नजर में देखोगे तो आपको देखने से ज्यादा पता नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर क्या बदलाव किए हैं। जो डिजाइन और जो लुक्स है वो आपको जो दूर से देखने में वो सेम ही लगेंगे बिल्कुल। यहाँ पे आपको एक छोटा सा वाइजर देखने को मिल जाएगा और जो आपकी हेडलाइट है वो हेलोजन बेस्ड रहने वाली है यहाँ, और इंडिकेटर भी आपके हेलोजन है लेकिन ये फ्लेक्सीबल आएंगे। और इस बाइक के अंदर जो कंपनी ने बदलाव किया भाई वो ये किया है कि जो इसका फ्रंट पे जो ये मड गार्ड आप देख रहे हो, इसके ऊपर अब जो आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर वाली जो है ऐसे फिनिश देखने को मिल जाएगी। और जो इसके सस्पेंशन है फ्रंट के वो आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और साथ ही में जो आप इसका एलॉय देख रहे हो, इसका जो एलॉय का कलर है वो भी अब आपको जो है यहाँ पे मैट ग्रे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और साथ ही में आपको जो है टायर पे रिम पे यहाँ पे स्टिकर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके टायर साइज की तो टायर साइज आपको यहाँ पे जो है 8017 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है भाई, MRF कंपनी का नायलॉन ग्रिप जैपर टायर आपको जो है यहाँ देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर। और कुछ इस टाइप से जो है आप यहाँ पे टायर का लुक चेक कर सकते हो। और अगर मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो इस बाइक के फ्रंट में यहाँ पे आपको 240 mm की भाई बड़ी से यहाँ पे डिस्क प्लेट देखने को मिल जाएगी विद ट्विन पिस्टन कैलिपर के साथ में।
और इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे CBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसका फायदा ये है कि भाई ये कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे ही आप रियर ब्रेक अप्लाई करोगे तो 40% जो आपके फ्रंट भी अप्लाई होंगे और जो 60% है वो आपके रियर अप्लाई होंगे। तो ये जो सिस्टम है कुछ इस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है। और साइड से बात करूँ तो भाई साइड पैनल पे आपको 125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी न्यू स्टिकर के साथ में। और ये आप जो है न्यू जो है मैट कलर देख रहे हो आप, इसका मैट ग्रे जो कलर है, और यहाँ पे आपको Pulsar 3D में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। सॉरी मैट बोल रहा हूँ मैं इसको, ये ग्लोसी ग्रे कलर आप मेरे सामने देख रहे हो पल्सर का, और कुछ इस टाइप से है। और इस बाइक के अंदर दोस्तों 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है आपको। अगर मैं बात करूँ इसकी माइलेज की, तो आपको जो है कंपनी क्लेम जो इसका माइलेज है वो है भाई 50 km/h, लेकिन आप जो इससे 55 से 60 तक भी जो है और इजीली जो आप निकाल सकते हो, बाकी डिपेंड करता भाई आपके चलाने के ऊपर। और यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और कुछ इस टाइप से जो है आपको यहाँ पे एक ऐसे फेक एयर वेंट टाइप सा जो वो आपको यार देखने को मिलता है, और उसपे यहाँ पे कुछ इस टाइप से डिजाइन भी है। तो ये जो है इसके अंदर है बदलाव। और अगर मैं बात करूँ भाई इसके इंजन की, तो इस बाइक के अंदर आपको जो है 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है भाई, जिसकी मैक्स पावर की बात करूँ तो 11 BHP, और मैक्स टॉर्क की बात करूँ तो वो भी आपका जो है यहाँ पे 11 Nm का जो है वो रहने वाला है। यानी कि आपको जो है इसके अंदर जो पावर और जो टॉर्क है वो सेम देखने को मिलेगा, जिससे बाइक के इंजन की जो भाई परफॉर्मेंस है वो एक नंबर की होगी। आप किसी भी गियर में बाइक चलाओगे तो आपको जो है गियर डाउन करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप एक्सेलरेशन करोगे और बाइक आपकी निकल जाएगी भाई। और किक स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है आपको इस बाइक के अंदर, साथ ही में आपको यहाँ पे सेल्फ का स्विच भी देखने को मिलता है। किक और सेल्फ दोनों ही इंजन स्टार्ट ऑप्शन के साथ में ये बाइक आती है। आपकी फुट रेस्ट आप चेक कर लो, कुछ इस टाइप से आपके फुट रेस्ट यहाँ रहने वाले हैं, और इस बाइक के जो रियर फुट रेस्ट रहने वाले हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएंगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में। और इस बाइक के रेयर में दोस्तों आपको जो है नाइट्रोक्स चार्ज मोनो सस्पेंशन देखने को मिलता है भाई, जो कि भाई एक प्लस पॉइंट है। नाइट्रोक्स चार्ज मोनो सस्पेंशन आपको 125 सीसी कैटेगरी के अंदर यह देखने को मिल रहा है। साथ ही में आपको जो है NS125 की इस पैनल पे या पे रेयर पैनल पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ भाई इसके रेयर वाले जो टायर अगर की है यहाँ पे, तो इस पे भी आपको जो है कार्बन फाइबर वाली यहाँ फिनिश देखने को मिल जाएगी, और ये आपका जो है यहाँ पे टायर अगर रहने वाला है। तो दोस्तों आपको जो इसके रियर स्विंग आर्म पे जो है इस टाइप से यहाँ पे नोट भी देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही में अगर मैं इसके रियर से ब्रेकिंग की बात करूँ, तो रियर में जो आपको इसके अंदर 130 mm के यहाँ ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिल जाएगा। और टायर साइज की बात करूँ रेयर की, तो रेयर में आपको मिलते हैं भाई 8017 का ट्यूबलेस टायर, MRF कंपनी का नायलॉन जैपर, ठीक है। और टायर की जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो भाई, 125 सीसी के हिसाब से जो टायर की चौड़ाई है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई इस टाइप की बाइक को जो है इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये बाइक जो परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको माइलेज भी दे सके। और इंडिकेटर की बात करूँ तो सेम हैलोजन इंडिकेटर है, और LED टेल लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलता है, और इसके नीचे भी आपके यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगी। और अगर मैं इस साइड से बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है स्प्लिट ग्रैब रेल यहाँ देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको इस बाइक के अंदर स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। और इस तरफ से बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है ये साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको दोस्तों इस बाइक के अंदर यहाँ पे 5 स्पीड का गेयर बॉक्स देखने को मिलता है, और ये बाइक जो आपकी इंजन कट ऑफ स्विच के साथ में आती है, यानी कि साइड स्टैंड डाउन करने पर जो आपका इंजन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, साइड स्टार्ट इंजन कट ऑफ स्विच के साथ में आती है। और कुछ टायर प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इस साइड यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। और अब बात करते हैं भाई इसके स्विचेस के बारे में, तो देखो स्विचेस वगैरह के बारे में आपको बता दूं, तो यहाँ पे फ्रंट में आपको जो है पास लाइट देखने को मिलती है, ये जो है आपका हाई बीम लो बीम रहने वाला है। यहाँ पे इंडिकेटर, देन हॉर्न आपका, ये आपका किल स्विच और इंजन स्टार्टर स्विच। इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं भाई, सिंगल ट्यूबलेयर नहीं मिलता, जो कि एक अच्छी बात है भाई। इससे बाइक की जो लुक है वो काफी ज्यादा जो है भाई वो स्पोर्टी हो जाती है।
और जो इसके मिरर से साइड मिरर हो, आप जो इसके साइड मिरर का लुक चेक कर सकते हो, कुछ इस टाइप से जो इसके साइड मिरर यहाँ रहने वाले हैं, जो कि आपके ये भाई मैट फिनिश के साथ में, मैट ब्लैक फिनिश के साथ में, और काफी ज्यादा जो है इनको एजी बनाया गया है। और अगर मैं बात करूं भाई इसके स्पीडोमीटर की, तो आपको जो है भाई सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर इसके अंदर देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, चलिए बात करते हैं उनकी। तो सबसे पहले आपको यहाँ आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा, ये आपकी शिफ्ट लाइट रहने वाली है, और इस साइड पे आप यहाँ पे डिजिटल स्पीड देख पाओगे, साथ में आपको बाइक टाइम बताएगी। नीचे ओडोमीटर रहने वाला आपका, और इस साइड में आपको कुछ वार्निंग साइंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे लो बैटरी का, इंजन मैन फंक्शन का आपका। और यहाँ पे जो आपको दो टॉगल स्विच देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो बाइक जो है यहाँ पे आपको दिखाएगी भाई ट्रिप वन, ट्रिप टू, साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी। और जैसे ही मैं इसके जो सेट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये बाइक आपको IFE भी बताएगी, यानी कि आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। साथ ही में पास लाइट का जो है आपका साइन, वो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगा, इंडिकेटर आपके इस टाइप से यहाँ पे ग्लो होंगे, और जो है भाई कुछ इस टाइप से ये बाइक रहने वाली है। अब जो मैं आपको एक बार इस बाइक की जो है आवाज भी चेक करा दूंगा। और हाँ, इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। आप जो दोनों साइड से देख रहे होगे, यार बाइक के अंदर साइलेंसर तो है नहीं हैगा भाई, साइलेंसर ये रहा इसका नीचे की तरफ जो है कंपनी ने दिया है, काफी ज्यादा भाई नीटली जो है इसको यहाँ पे छुपाया गया है, तो देख लो कुछ इस टाइप से है। और भाई ये इस टाइप का जो साइलेंसर है वो आपको पता है भाई बड़ी कैटेगरी की जो मोटरसाइकिल है उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। और मैं जो है बाइक को यहाँ से एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको जो है बैकलाइट एलईडी स्विचेस भी देखने को मिलती है, जो कि भाई पल्सर की खासियत है। चाहे वो किसी भी सीसी में आप उठा लो, पल्सर की कोई भी सीरीज उठा लो, हर एक सीरीज के अंदर जो है आपको भाई एलईडी बैकलाइट एलईडी स्विचेस यहाँ देखने को मिलते हैं। इसमें जो आपको कोई कॉस्ट कटिंग नहीं देखने को मिलती। आइडल पे एक बार आप जो है बाइक की आवाज जो है यहाँ चेक कर लो, ये जो बाइक है अभी आपको आइडल पे जो है इसकी आवाज आ रही होगी। अब जो मैं इसको हल्का सा रेव करूंगा, तो दोस्तों कुछ इस टाइप से जो है हमारी ये बाइक यहाँ पे रहने वाली है। और मुझे कमेंट में बताना कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बाइक और स्कूटर रिलेटेड अपडेट वीडियोस लाता रहता हूँ। और हाँ भाई, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, स्पेशली उन लोगों के साथ में, तो भाई जरूर से शेयर कर देना यार, जो 125 सीसी कैटेगरी के अंदर मार्केट में बाइक सर्च कर रहे हैं और उन्हें जो उस बाइक पे डिस्काउंट भी चाहिए अच्छा खासा, तो वो जो है भाई यहाँ आ सकते हैं बिल्कुल। और मिलते हैं भाई ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।